ग्राम करही में लोगों के द्वारा स्कूल की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग को गिराने एवं दूसरी बनाने की मांग की गई, जो कि पूर्णतः जर्जर है। लोगों ने बताया कि स्कूल बहुत ही जर्जर हो चुका है, जिससे स्कूल के बच्चों को खतरे का सामना करना पड़ता है। पास ही में छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके सर पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि एक से लेकर पांचवी तक की कक्षा के बच्चे पूर्ण न होने के कारण एक ही कमरे में बैठकर बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में भी प्रभाव पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि इस जर्जर बिल्डिंग को तोड़कर दूसरी बनवाने का प्रयास करवाए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। जानकारी लेने पर यह भी पता चला कि उसी जर्जर बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का केस भी चल रहा है, जिन्होंने गलत तरीके से स्कूल निर्माण कर राशि का गुठमेल किया था। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई कर धारा 40 का प्रकरण बनाया गया था। दोषियों पर कार्रवाई चल रही है एवं रिकवरी का भी बन चुकी है। क्या बता सकते हैं बेटा, कौन सी क्लास पढ़ते हो? व्यवस्था के तौर पे आया हूँ मैं आज। और आप? और आप चौथी? आएगा। बेटा आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? यहाँ एक क्लास से पांचवी से आठवीं, पहली से पांचवी तक के बच्चे एक ही रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। आप नहीं है चौथी भी नहीं है बेटा? आप अच्छे से बताओ, आप कौन सी क्लास पढ़ते हो? और आप? आप बेटा बताइए। पांच क्लास, एक कमरा है, स्कूल जर्जर रखा है, सब उखड़ पे पड़ गए, रोड वहाँ का जर्जर है। एक ही कमरे में पूरे बच्चे बैठते हैं? पूरे। आप गांव के सदस्य कहलाने? गांव के सदस्य कहलाने। क्या नाम है आपका? अनिल यादव। कहाँ से? करही से। ये जो स्कूल में ये सर, इसमें बहुत दिक्कत है स्कूल में। हमारे छोटे छोटे बच्चा पढ़ते हैं, खतरे से कम नहीं है। कहीं तो यहाँ गिर गए, ईंट में चोट लग गई, वो घुसते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ खेलते हैं, बच्चे तो हैं सर। और बहुत खतरा है इसमें, इस बिल्डिंग को गिराया जाए, पूरे बीम कालम हिल रहे हैं, बीम कालम में लोहा लग जाता है, कहीं निकलते हैं जाते हैं, छैया हिल रहा है, पूरा छैया हिल रहा है, पूरा सही चाहिए हमको, कुछ भी हो सकता है। 10 से 12 साल हो गए सर ये ऐसे चल रहा है, खंडहर पड़ी है। और ये जो है धीरे धीरे यहाँ कहीं वहाँ गिर जाती है, उठा के आदमी वो कर देता है। और एक ही रूम बचा है, उसमें पहली से लेकर पांचवी तक पढ़ते हैं। और इसके बारे में कई शिकायत की है? इसके बारे में सर बहुत शिकायत की है, बहुत आगे तक गए हैं, शायद हाँ शायद यहाँ केस भी चल रहा है कई लोगों के ऊपर। अच्छा। हाँ, जो भी पैसा निकला है इसका रिकॉर्डिंग निकली है, और बहुत दिक्कत है इसी चीज़ में। सर हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक दिन तो उनके लग गया था सर, इस बिल्डिंग में गिर गई थी। अच्छा। और ये बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी है सर, और इसका पैसा खा गए। कौन खा गया? सरपंच खा गया सर, इसके भूतपूर्व में था। अच्छा जी सर, ये बिल्डिंग बन नहीं रही है, अधूरी पड़ी हुई है। और यहाँ कई सरपंच भी हो गए सर, एक नहीं कई, 3-4 सरपंच बदलते बदलते रहते जी सर। हमने इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय जी। कितने साल हो गए बने हुए सर? 7 से 8 वर्ष हो गए सर, इसी तरह से है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। विधायक जी को भी हमने शिकायत की। अच्छा। वो भी 5 साल कार्यकाल था उनका, वो भी निकल चुका। विधायक का नाम मोती कश्यप जी से, जब के जमाना से बसंत सिंह कांग्रेस जी, उनको भी हमने शिकायत किया था जी। बसंत भैया को, फिर भी हमको कोई सफलता हासिल नहीं हुई, सही पड़ा है सर। हमारा नाम जितेंद्र सिंह ठाकुर है। कौन से ग्राम? हम ग्राम करही के निवासी। जो स्कूल देख रहे हैं कब से बना हुआ? हम पूरे में जनपद उपाध्यक्ष जी। ये स्कूल सन 2011-12-13 में, शायद 12-13 में बना है जी, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के मध्य से बना है। यहाँ 2 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इसमें 2 बिल्डिंगों का मध्य है। ये बहुत सारे उस समय सरपंच अल्टी पल्टी हुए, कहीं कुछ हुआ कहीं कुछ हुआ, इस कारण कुछ दिन कोई सरपंच रहा, कुछ दिन कुछ बीच में हमारी पंचायत जो खावा ग्राम पंचायत जी, उसमें पहले कल्लूबाई भी बनी, फिर उसके बाद चौधरी लीलाबाई बनी, फिर उसके बाद उप सरपंच को चार्ज मिल गया जी। ऐसे करके बहुत सरपंच इस बिल्डिंग में रहे हैं, बहुत सचिव रहे हैं खास कर, लेकिन जो खास सचिव था वो मंसूरी था। कहाँ से? ये परसेल के हैं। अच्छा जी, बसरुल हक मंसूरी सचिव थे। इसकी कितनी राशि निकली रही होगी? इसकी करीब 50% से ज़्यादा राशि इसकी निकल चुकी थी। और इसके जानकारी कहाँ पहुँची है? इसकी जानकारी तो बहुत शिकायतें हुई, शिकायत के ऊपर उनने एक बार जांच करवाई थी, जांच टीम आके
प्रकरण बना के धारा 40 की कार्रवाई की थी पंचायत के ऊपर, और जो और संबंधित जितने भी दोषी थे इसमें उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई हो गई है, रिकवरी बन गई है। बस हमको शासन से और महोदय कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है कि महोदय जी, अब ये रिकवरी तो इनके यहाँ आपके जिला पंचायत में चल ही रही है, जिला पंचायत से ये देख रहे हैं इसकी जो भी रिकवरी हो, लेकिन ये बिल्डिंग खंडहर हो चुकी है और ख़तरा रात दिन बना हुआ है। बच्चे यहाँ आ रहे हैं, एक ही रूम है शेष जिसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं के बच्चे सभी एक ही रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, टोटल बिल्डिंग धराशाही। तो हम केवल कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है, जो भी इस बिल्डिंग को अतिक्रमण करवाएं इसको हटवाया जाए, और जो रिकवरी अभी बनी है थोड़ा बहुत जितनी बनी हो टोटल रिकवरी उन्हीं के नाम पर इसको बनाया जाए, लेकिन इसको यहाँ से हटा करके एक अतिरिक्त कक्ष हमारे ग्राम करही शाला में दिया जाए, शासकीय प्राथमिक शाला करही में। एक भी भवन नहीं है, सिंगल भवन में एक कमरा है, उसमें 5 क्लास बैठती हैं, 5वीं तक है हमारे यहाँ। कलेक्टर महोदय से एक निवेदन है, माननीय कलेक्टर महोदय जी, हमारे ग्राम करही में अतिरिक्त कक्ष के रूप में किसी मिशन से, शिक्षा मिशन से एक अलग से बिल्डिंग अलर्ट की जाए और इस बिल्डिंग को धराशाही कराई जाए। यहाँ पर अभी खतरा मर रहा है, आप देख तो रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं दरवाजा भी जो लगे रहे हैं वो भी चोरी हो गए क्या? धीरे धीरे जो धीरे धीरे ये बिल्डिंग है, धीरे 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 कोई ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, वीरान पड़ी है तो कोई कुछ भी है, तो ऐसा धीरे धीरे पूरा आपने बिल्डिंग का वीडियो बनाया। कृपया कर महोदय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि खासकर इस वीडियो को जरूर देख, पत्रकार महोदय के चैनल के माध्यम से जो चलाया जाएगा इसको देख करके पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है कलेक्टर महोदय के पास आने का तो इस बिल्डिंग को देख के भी वहाँ निर्णय लिया जा सकता है। इसको ज़मीन में धराशाही करा करके करही ग्राम के स्कूल में एक अतिरिक्त कक्ष दिया जाए, जिससे स्कूल की विधिवत स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर सकें विधिवत।